कुछ नहीं बचता है 15,000 में आज क्या बचे? कुछ नहीं बचे। क्या घर का किराया? घर का किराया 2,500 रुपए। 2,500 रुपए टेलीफोन मिलते हैं तो किराया चले जाता हूँ। और वाइफ भी है? हाँ वाइफ भी है, वो आज की प्रॉब्लम है। कहते हैं कि सियासत में खुद को उतारना जितना सरल है, लेकिन उससे ज्यादा कठिन है अवाम के दिल में एक अच्छे नेता की छवि को उतारना। वो छवि जो पारदर्शी की तरह बेहद साफ हो। कुछ नेता उससे सांचे में ढल जाते हैं तो कुछ नेता वहां तक का रास्ता भी तय नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब नेता प्रतिपक्ष को शहजादा बुला करके संबोधित किया जाता है तो फर्क शायद तब नहीं पड़ता। लेकिन जब नेता प्रतिपक्ष अवाम के बीच जाकर उनकी मामूली जिंदगी को समझने का प्रयास करता है तो फर्क सिर्फ पड़ता नहीं बल्कि दिखता भी है। ऐसा ही कुछ एक बार करते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी दिखे हैं, जहां वो एक नाई की दुकान में जाकर उससे दाढ़ी सेट करवाते दिखे। उनके बीच काफी बात हुई है और वो बात का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी है। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पहली मर्तबा ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा। भारत जोड़ो यात्रा के बाद से कई ऐसे वीडियो राहुल गांधी के सामने आए हैं जहां वो आम जनता की जिंदगी से जुड़ने का प्रयास करते हुए दिखे हैं। फिर वो मोची की दुकान हो या फिर ट्रैक्टर ड्राइवर हो, रायबरेली का नाई हो या फिर दिल्ली के कुली हो। इतना ही नहीं, दिवाली थी तो राहुल गांधी कुम्हार के पास जा पहुंचे और बनाने लग गए दिए। और अब एक वीडियो वायरल है जिसमें वो एक नाई से अपनी दाढ़ी सेट करवा रहे हैं, उससे उसकी रोजमर्रा की जिंदगी को समझने का प्रयास कर रहे हैं। महीने की कमाई के साथ क्या दिक्कतों का आम जनता को सामना करना पड़ रहा है, यह सब भी उस वीडियो में देखने को मिल रहा है। बता दें कि शुक्रवार की सुबह पश्चिम दिल्ली के उत्तम नगर के प्रजापति कॉलोनी पहुंचे राहुल गांधी, जहां उन्होंने आम जनता से बातचीत के बाद वो लोकल सैलून पर पहुंच जाते हैं, जहां उन्होंने सैलून मालिक अजीत ठाकुर से मुलाकात की। इसके बाद उनसे अपनी दाढ़ी भी बनवाई। बाद में वो एक कुम्हार परिवार के घर गए, यहाँ रामरति और बाकी लोगों से मुलाकात की और उनसे मिट्टी के बर्तन और दिए बनाना सीखा। सैलून मालिक अजीत ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी किसी कार्यक्रम से गुजर रहे थे, मैं बाहर खड़ा था, अचानक उनकी गाड़ी रुकी और राहुल गांधी ने मेरी ओर ध्यान दिया। इसके बाद मैं घबरा गया क्योंकि मेरे सामने एक बड़े नेता खड़े थे। राहुल गांधी ने अजीत से उनके काम, रोजगार और जिंदगी के बारे में भी फिर कई सवाल किए, जहां पहले उनसे मुलाकात करी और उनसे मुलाकात करके उनसे पूछा कि क्या आप मेरी दाढ़ी बनाएंगे। जब दाढ़ी बनाने को वो राजी हो गए, उसके बाद ये सारी तमाम बातों का सिलसिला शुरू हुआ, जहां अजीत की कमाई क्या है, दुकान का किराया कितना है और वह किस तरह से अपनी जिंदगी को बिता रहे हैं। अजीत ने बताया कि उनका सैलून का व्यवसाय 1993 से चल रहा है और कोई भी नेता उनके पास इस तरह से नहीं रुका था। राहुल गांधी ने उनकी स्थिति को समझते हुए उन्हें आश्वासन दिया वह मदद कर सकते हैं। अजीत ने खुलकर अपनी कठिनाइयों का जिक्र भी किया। राहुल गांधी ने उनके प्रति सहानुभूति भी जताई और कहा कि वह उनकी मदद करने का प्रयास करेंगे। और कुछ इस तरह से राहुल गांधी लोगों से जुड़ने का प्रयास भी कर रहे हैं। ये तस्वीरें जितना दिल को दुखा भी रहा है तो वहीं खुशी भी महसूस करा रहा है कि किस तरह से नेता प्रतिपक्ष का ये अंदाज देखा जा रहा है, जहां वो आम जनता की दिक्कतों को सुन रहे हैं। खैर, जब कोई ऐसा नेता करता है तो आपको कैसा लगता है? क्या वाकई इस अंदाज को आप भी पसंद करते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और राहुल गांधी का यह अंदाज आपको कैसा लगा ये भी बताइए।